लेमन टी केक बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 नींबू, 1 कप चीनी, 1 कप दही, 2 चम्मच सूजी, 1 कप देसी घी, 1 बड़ा कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम सबसे पहले लेमन जेस्ट निकालेंगे। इसके लिए हम लेमन को किसनी से किस लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं किसना है, नहीं तो नींबू का कड़वापन हमारे केक में आ जाएगा। अब बचे हुए नींबू का हम लेमन जूस निकाल लेंगे। अब हम बोल में लेंगे चीनी, दही, घी और लेमन जेस्ट को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चीनी घुलने तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी लगभग घुल गई है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी, मैंने यहाँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम डालेंगे मैदा। मैदा को अच्छे से डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें एक थिक बैटर ही तैयार करना है। यदि आपको आपका बैटर थोड़ा सा पतला लग रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा और मिक्स कर लें। आपका बैटर जितना ही थिक रहेगा आपका केक उतना ही अच्छा फ्लफी बनेगा। आप बहुत पतला कर देंगे तो केक उतना फ्लफी नहीं होगा, रेस नहीं होगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं फूड कलर। मैंने इसे लेमन जूस में ही मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो फूड कलर मिक्स करें, नहीं तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप सिर्फ लेमन जूस को मिक्स कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और केक टिन को ग्रीस करके मैंने यहाँ पहले से रखा हुआ है। आप केक टिन को घी या तेल से पहले ग्रीस कर लें और हमारे केक बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर दें। मैं ये लेमन केक माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पे बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकती हैं। आपको मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में नमक डालकर इसे रखना है और आपके केक टिन को प्लेस करना है। आप इसे थाली से ढक दें। आपका केक 20 से 30 मिनट में पककर तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ कन्वेक्शन मोड का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसे 170 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए बेक कर रही हूँ। मैं यहाँ 10-10 मिनट्स के इंटरवल से इसे बेक करूँगी। टोटल 20 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। बेक होने के बाद हम इसे डीमोल्ड करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम केक को शुगर और कोकोनट से गार्निश करेंगे। अब हमारा केक तैयार है। अब हम इसे कट करके देखते हैं। ये बहुत ही फ्लफी बना हुआ है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ। केक एकदम फ्लफी एंड सॉफ्ट है। आप भी इसे बनाइए और एंजॉय करिए आपके टी के साथ। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।